टी20 वर्ल्ड कप 2024 के 47वें मुकाबले में भारत को बांग्लादेश को 50 रनों से हरा दिया। यह मैच सुपर आज का एक ऐसा मैच था जिसमें जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल का टिकट लगभग कंफर्म कर लिया है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग और फिर बॉलिंग का शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को हरा दिया। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने यह कंफर्म कर दिया है कि NCERT टेक्स्ट बुक में भारत और इंडिया का उपयोग किया जाएगा, जैसा कि देश में संविधान में है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर भारत वर्सेस इंडिया की अलग ही जंग देखने को मिल रही है। इस मुद्दे को लेकर दो यूट्यूबर आपस में भिड़े। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हो गया है। आचार्य के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब केंद्रीय कृषि मंत्री बन गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है मानो उनकी जहन में अभी तक मुख्यमंत्री बनने वाली ही भावनाएं निहित है। दरअसल दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शिवराज ने अपने संबोधन के दौरान खुद को बार बार मुख्यमंत्री के रूप में उल्लेखित किया। हालांकि बाद में मामला संभालते हुए उन्होंने कहा, अभी समय लगेगा खुद को बदलने में। पेपर लीक के मामले में जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की अलग अलग टीमों ने बिहार झारखंड के विभिन्न इलाकों में दबिश शुरू कर दी है। झारखंड के देवघर में शुक्रवार की देर रात छापेमारी करके पेपर लीक से जुड़े वीरमणि सिंह उर्फ सिंटो को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि EOU ने अभी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने दावा किया है कि उसके पिता के सामने पूरी दिल्ली नतमस्तक है। दरअसल कार्तिकेय सिंह ने शुक्रवार को सीहोर जिले के विधानसभा क्षेत्र में भेरुंडा में एक जनसभा में संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पिता के सामने दिल्ली नतमस्तक है। झारखंड सरकार ने प्रारंभिक स्कूल में पढ़ने वाले सभी 40 छात्र छात्राओं को पोशाक देने का फैसला किया है। यह पोशाक शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दी जाएगी। बता दें कि यह पोशाक स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा तैयार की जाएगी। इसके लिए पहले स्वयं सहायता समूह का आकलन किया जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 को बीते हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन उस मैच को हारने का दर्द अभी तक खत्म नहीं हुआ है। खिलाड़ियों के मन में अब तक वह जख्म हरा है। इसी बीच भारतीय ओपनर शिखर धवन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ऐसी पोस्ट साझा की जिसे देखकर उनके दर्द का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने लिखा कि मर्द किसी भी दर्द से पार पा सकता है, लेकिन 19 नवंबर को जो दर्द मिला है उसे भूलना असंभव है। नीट पेपर लीक होने के मामले में CBI को जांच करने का दायित्व सौंप दिया गया है। देश भर के अलग अलग राज्य में मौजूद CBI ब्रांच इस जांच में जुट गई है। अब तक जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन सभी को रिमांड में लेकर CBI पूछताछ करने वाली है। कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में एक नया मोड़ आ गया है। सेक्स स्कैंडल में जेल बंद JDS नेता प्रज्वल रेवन्ना के छोटे भाई MLC सूरज रेवन्ना को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूरज रेवन्ना पर पार्टी के एक ही कार्यकर्ता ने अननेचुरल सेक्स का आरोप लगाया है। सतना थाना सिविल लाइन क्षेत्र के करही कोठार में राशन न मिलने पर नाराज कार्डधारी ने एक ठेकेदार और उनके परिवार वालों पर जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें सीता, बसंती, रज्जू और शिव को गंभीर चोटें आई हैं। इतना करने के बाद भी उस कार्डधारी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने ट्रैक्टर से जमकर उत्पात मचाया, जिसके कारण एक गाय की मौके पर मौत हो गई। अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है। उसने यह मैच जीतकर अपने वनडे विश्व कप 2023 का बदला ले लिया। बता दें कि भारत में खेले गए 2023 के वनडे विश्व कप में अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता हुआ मैच हारी थी, जब ग्लेन मैक्सवेल ने दोहरा शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई थी। तो आइए जानते हैं दोनों विश्व कप में कौन कैसे किस पर भारी पड़ा था। देश के कई राज्यों में मॉनसून का आगमन हो चुका है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अभी भी मॉनसून का इंतजार है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी 23 जून को पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में लू चलने की आशंका है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। नीट पेपर लीक मामले की कड़ी झारखंड में भी जुड़ती दिख रही। हजारीबाग स्थित एग्जाम सेंटर से लीक होने की आशंका पर EOU की 3 सदस्य टीम हजारीबाग पहुंची। हजारीबाग में इस बार नीट की परीक्षा के लिए 5 सेंटर बनाए गए थे। इसमें लोहसिंघना थाना क्षेत्र स्थित OSS स्कूल नया सेंटर के रूप में शामिल हुआ था।
अन्य स्कूलों में डीएवी संत जेवियर्स, रामकृष्ण विवेकानंद और होली क्रॉस शामिल थे। डीएवी ने इस बार 840 विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा दी थी। मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए मॉनसून ने कटनी नगर निगम के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। जिले में बीती रात हुई हल्की बारिश ने दो दिन पहले सुधार कार्य में बनी नई सड़क को 3 से 4 फीट गहरे गड्ढे में तब्दील करते हुए दो हिस्सों में बांट दिया है। इससे लोगों में काफी आक्रोश है। लोग जल्द से जल्द सड़क को सही कराने की मांग कर रहे हैं।